शहर में तजावजात के खात्मे से मुतालिक सरकारी वकील की रिपोर्ट मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी का तजावजात खत्म न होने पर इजहार बरहमी। जगह जगह ठेले लगे हैं, इंतजामिया कोई काम नहीं कर रही। पूरा लाहौर तजावजात से बात चाहिए। अदालत ने 26 सितंबर को असिस्टेंट कमिश्नर को तलब कर दिया। मरीज अजियत का शिकार, यंग डॉक्टर्स को जरा नहीं ख्याल। लाहौर समेत सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की मुसलसल तीसरे रोज भी हड़ताल। ओपीडीज बंद, मरीजों को डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, ना ही दवा। यंग डॉक्टर्स हड़ताल पर बाजिद। रहीम यार खान में लेडी डॉक्टर से बदसलूकी के वाक्य के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल बिला जवाब। वजीर सेहत ने वाक्य पर नोटिस ले लिया। गफलत बरतने पर प्रिंसिपल और एमएस को मुअत्तल भी किया, लेकिन यंग डॉक्टर्स ने तहाल काम शुरू नहीं किया। यंग डॉक्टर्स के वक्त की आज 2 बजे वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से मुलाकात। अस्पतालों में मरीजों के साथ आए लवाहिकीन का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। चिल्ड्रन अस्पताल में ओपीडी बंद होने पर लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। टायर जलाकर फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी। दूर दराज से आए हैं, कोई पुरसा निहाल नहीं। मुजाहिरीन सर्विसेज अस्पताल में भी मुजाहिरा। मरीजों के लवाहिकीन की यंग डॉक्टर्स के खिलाफ नारेबाजी। बगावत केस के लिए दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को 8 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सहाफी सिरल अल्मेडा का नाम ईसीएल में डालने का हुक्म। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी पेश। बेगम कुलसुम नवाज की वफात पर लोग अफसोस के लिए आ रहे हैं। चेहलम के बाद की तारीख दे दें वकील नवाज शरीफ। ठीक है, मुकदमे को 8 अक्टूबर को सुन लेते हैं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी। हेलमेट पहनो वरना चालान भरो, कार्रवाई का आगाज। हेलमेट पहने बगैर मोटरसाइकिल सवारों का मॉल रोड पर दाखिला ममनू। खिलाफवर्जी पर 200 से 700 रुपए तक का चालान होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया था। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रक। मॉल रोड पर वारंट्स की नफरी भी बढ़ा दी गई। जीपीओ चौक में हेलमेट न पहनने पर पुलिस कांस्टेबल का भी चालान कर दिया गया। अदालती अहकामात पर मनोमन अमल करवाया जाएगा। सीटीओ लाहौर चैंबर के इलेक्शन का मार्का। कारपोरेट क्लास की 7 नशिस्तों पर इंतखाबात। पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पियाफ फाउंडर्स अलायंस और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट में कांटेदार मुकाबले की तवक्को। भारत की आबी जारहत, रावी सतलुज और चनाब में पानी छोड़ दिया। बड़ा सैलाबी रेला लाहौर की तरफ बढ़ने लगा तो ज्ञानी का खदशा, फ्लड वार्निंग जारी। रावी के किनारे मुकीम अफराद को मोहतात रहने की हिदायत। दरिया रावी में पानी का बहाव 35,000 क्यूसेक है, जो बढ़कर 75,000 क्यूसेक तक जा सकता है। लाहौर शहर और इर्द गिर्द के इलाकों को कोई खतरा नहीं, कमिश्नर लाहौर। इजला में सैलाब का खतरा है, हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी करेगी। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने तमाम महकमों को मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। कहते हैं भारत ने आबी जारहत के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की नाहली के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ समेत दीगर फ्रिकेन को नोटिस जारी कर दिए। ख्वाजा आसिफ ने कागजात नामजदगी में असासे छुपाए। दरख्वास्त गुजार उस्मान डार। सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल की मजाक में खुली कचहरी, आवाम के मसाइल सुने। वजीर सनअत और तजारत ने आवामी मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए। एलटीए के शोभा टाउन प्लानिंग का ऑपरेशन, जौहर टाउन और मुल्हिका इलाकों में गैर कानूनी गोदाम, शोरूम और दीगर तामीरात मिसमार कर दी गई।